हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडीसी वर्ल्ड ऑनलाइन अगेन। इसके पहले वाले चैप्टर में पार्ट वन जो मैंने अपलोड किया था, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को विस्तार से समझाया था। लेकिन सब्जेक्ट को विस्तार से समझाने के बाद मैंने वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों का हल्का हल्का मैंने इंट्रो दिया था। तो उसका बचा हुआ चैप्टर का वीडियो आज मैं बना रहा हूँ और इसमें मैंने वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों को विस्तार से समझाया हुआ है। तो पहले वाले वीडियो में अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो पहला वाला वीडियो आप देख लें। उसमें मैंने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट को किन किन परिस्थितियों में या किस माध्यम से आप उसको सर्च कर सकते हैं। आज समझते हैं कि वर्ब और ऑब्जेक्ट को अच्छे से, अगर आप वर्ब अच्छे से समझ गए तो ऑब्जेक्ट समझने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप समझ ले जाएंगे। आज समझते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब की डेफिनेशन पहले वाले वीडियो में मैंने बताई थी, अभी एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं कि वर्ब वह शब्द होता है जिससे कार्य के होने का पता चलता है। द वर्ड दैट शोज एनी एक्शन और मूवमेंट, ये परिभाषा किताब में आपको मिल जाएगी। लेकिन समझते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब जिससे कोई एक्शन या मूवमेंट का होने का पता चले। और मैंने ये भी बताया था कि इसके पहला फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसके पांचों फॉर्म होते हैं, ये मैंने बताया था। फिर इनके मैंने नाम बताए थे आपको, और पहले वीडियो में देख लीजिएगा कि मैंने इसको प्रेजेंट प्लूरल, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट सिंगुलर, ये मैंने बताया था। इसके बाद मैंने बताया था कि इस वर्ब जो पांचों वर्ब है इनकी रूट फॉर्म को हम लोग कहते हैं 2+V1। ये 2+V1 ये वर्ब की मूल फॉर्म है, ये मैंने इतना बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रभाव की दृष्टि से वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया और इसको हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। फिर मैंने बताए थे कि उपयोग के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि प्रभाव के आधार पर ये जो सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है ये कैसे होती है और कैसे हम इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा कि वाक्य में सकर्मक और अकर्मक अगर क्रिया आपको पता करनी है तो इसके लिए दो WH word का सहारा लेना पड़ेगा। पहला है वॉट, वॉट मीन्स होता है क्या, और दूसरा होता है हु माने किसे। ये दोनों WH word आपको बताएंगे कि वो क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक। कैसे पता चलेगा, सपोज कीजिए मैंने यहां पर लिखा प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना। तो अब हम क्या और किसे लगाकर प्रश्न करेंगे। यदि क्या और किसे दोनों में से किसी एक से भी अपने को जवाब मिल जाता है तो मतलब वो क्रिया सकर्मक है, और अगर जवाब नहीं मिलता है मतलब वो क्रिया अकर्मक है। प्रश्न कैसे करेंगे, खेलना, प्ले मींस खेलना। पहले क्या सगा प्रश्न करते हैं, क्या खेल रहा है या क्या खेलता है। तो क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, मतलब खेलना से किसी न किसी चीज का जवाब अपने को मिल जाएगा। तो इसे जवाब मिल गया, मींस प्ले क्या हुआ, सकर्मक। एक दूसरी क्रिया लेते हैं, मान लीजिए बैठना, सिट। अब प्रश्न करते हैं क्या बैठ रहा है, किसे बैठ रहा है, तो कोई जवाब नहीं मिला। कहां बैठ रहा है उससे जवाब मिल जाएगा, कुर्सी पर बैठ रहा है, टेबल पर बैठ रहा है, लेकिन क्या और किसे इन दोनों में से किसी का भी जवाब क्या और किसी से नहीं मिलेगा। मतलब क्या बैठ रहा है कोई आंसर नहीं, किसे बैठ रहा है कोई आंसर नहीं, तो कुल मिला के से कोई जवाब नहीं मिला, तो ये क्रिया कहलाएगी हमारी इंट्रांजिटिव सिट। अगली क्रिया लेते हैं बोलना, स्पीक। तो अब सोचिए स्पीक क्या होगा, अब लगाइए देखिए दोनों को क्या और किसे। तो क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, जवाब मिल रहा है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये सकर्मक क्रिया होगी स्पीक। दूसरा वर्ब खड़े होना, प्रश्न करिए क्या खड़े हो रहा है, किसे खड़े हो रहा है, कोई आंसर नहीं आएगा, स्टैंड अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट बीच,
बीट मींस होता है पीटना या किसी को मारना, प्रश्न करते हैं क्या पीट रहा है, नो आंसर, किसे पीट रहा है, राम को पीट रहा है, श्याम को पीट रहा है, या किसी व्यक्ति को पीट रहा है, तो क्या हुआ, चकर्मक। राइट मींस होता है लिखना, क्या लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है, निबंध लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, जवाब मिल गया, इसमें आ जाएगा। उसी प्रकार गो मींस जाना, क्या जा रहा है, कोई आंसर नहीं, किसे जा रहा है, कोई आंसर नहीं, तो क्या होगा वो, इंट्रांसिटिव। तो इसी प्रकार कई सारी क्रियाएं हैं, बाय मींस खरीदना, अब सोचिए बाय कौन सा वर्ब हो सकता है, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव, तो बाय मींस खरीदना, क्या खरीद रहा है, जवाब मिल जाएगा, सब्जी खरीद रहा है, कपड़े खरीद रहा है, मोबाइल खरीद रहा है, ट्रांसिटिव। साफ करना, क्लीन, ये कौन सा वर्ब हुआ, क्लीन मींस साफ करना, प्रश्न करिए क्या और किसी से, क्या साफ कर रहा है, बर्तन साफ कर रहा है, कमरा साफ कर रहा है, जवाब मिल गया। धक्का देना, क्या धक्का दे रहा है, कोई जवाब नहीं, किसे धक्का दे रहा है, राम को, श्याम को, जवाब मिल जाएगा, ट्रांजिटिव। अगर क्या और किसे, दोनों में से किसी का भी जवाब अगर मिल जाए तो ट्रांजिटिव, जवाब ना मिले तो इंट्रांजिटिव। तो कुल मिलाकर हमने समझ लिया कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, तो आप अपनी वर्ब लिस्ट खोलिएगा और प्रश्न करके देखिएगा कि कौन कौन से वर्ब ट्रांजिटिव में आ रहा है और कौन कौन से वर्ब इंट्रांजिटिव में। तो ये पार्ट हमने समझ लिया, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। अब अगला देखते हैं, ये हुआ प्रभाव के आधार पर, अब देखते हैं उपयोग के आधार पर। मैंने बताया था कि उपयोग के आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट, दो प्रकार के होते हैं। एग्जांपल लिखते हैं, He is going to play. ये जो पहली क्रिया आ रही है इसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब। किसी भी वाक्य की पहली क्रिया को हम लोग फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब कहते हैं और उसके बाद जो दूसरी क्रिया आ रही है इसको हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, पहला पॉइंट कि किसी भी वाक्य में जो पहला वर्ब होता है उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं, पहला पॉइंट, और दूसरा कि ये वाक्य में एक ही बार प्रयोग होता है, दो बार नहीं, फाइनाइट वाक्य में एक बार और इसके बाद जितनी भी क्रियाएं आएंगी, इसके बाद जितनी भी क्रियाएं आएंगी सब नॉन फाइनाइट होंगी, सब के आगे टू लगता जाएगा, ठीक है। तो पहली क्रिया कहलाएगी फाइनाइट यानी मुख्य क्रिया, इसके बाद जितनी भी क्रियाएं आएंगी सब टू लगकर आएंगी नॉन फाइनाइट। जरूरी नहीं कि टू लगकर भी आए, रूप बदलता है इनका, क्योंकि नॉन फाइनाइट की कई प्रकार होते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले आप इतना समझ गए कि वाक्य में जो पहली क्रिया आती है उसको कहते हैं फाइनाइट, इसके बाद जो जितनी भी क्रियाएं आएंगी वो कहलाएंगी नॉन फाइनाइट। इससे एक चीज क्लियर होती है कि वाक्य में केवल फाइनाइट एक ही बार यूज होगा जबकि नॉन फाइनाइट एक से ज्यादा बार यूज हो सकते हैं। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि क्या जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया आएगी तो क्या दूसरी क्रिया में टू लगाना जरूरी है? तो यहाँ पे कुछ नियम होते हैं कि नॉन फाइनाइट यानी फाइनाइट के बाद ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब आ रहा है ये तीन प्रकार से प्रयोग हो सकता है, जरूरी नहीं कि टू ही लगे। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, जैसे एक एग्जांपल दूसरा लेता हूं मैं, ही लाइक्स ईटिंग मैंगो। अब यहां पे लाइक्स क्या है, फाइनाइट वर्ब, ईटिंग क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये हुआ तो फाइनाइट, ये हुआ नॉन फाइनाइट, लेकिन यहां पे ये टू लगा था और यहां पे एनजी लगा, तो इसीलिए ये जो नॉन फाइनाइट है ये वाक्य में तीन प्रकार से प्रयोग होता है। मतलब पहला प्रकार इन्फिनिटिव, पहला इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मतलब होता है कि वर्ब में टू के साथ यदि वर्ब का पहला फॉर्म हो तो इसको इन्फिनिटिव कहा जाता है, यानी नॉन फाइनाइट वाक्य में पहले इन्फिनिटिव के प्रकार से प्रयोग हो सकता है, यानी ये कहलाएगा इन्फिनिटिव। दूसरा
जी राइट, इसको कहेंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और तीसरा होता है पार्टिसिपल। अभी जो पार्टिसिपल होता है, ये पार्टिसिपल भी तीन प्रकार से प्रयोग होता है। इतना डीप पे जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको नाम बता दूंगा। पहला कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये वही आईएनजी फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये हैविंग के साथ HAVING हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये काफी डीप में आ जाएगा, फिर इतना बहुत ज्यादा डीप में भी आवश्यकता नहीं जाएगी, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि आगे चलकर जब मैं आगे जरूरत पड़ेगी तो इनको फिर से मैं समझाऊंगा। अभी केवल आपको इन तीनों की इतनी समझने की आवश्यकता है, इन तीनों को समझने की आवश्यकता नहीं है। मैंने केवल बता दिया कितने प्रकार से होते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि यहां भी आईएनजी फॉर्म, यहां भी आईएनजी फॉर्म, तो ये जो यूज होता है एज अ नाउन यूज करते हैं हम लोग इसको नाउन की तरह, और ये जो यूज होता है एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं अपन इसको, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। अब ये कैसे यूज होते हैं ये समझेंगे थोड़ा सा भी एग्जांपल के माध्यम से। जैसे मैंने यहां लिखा Swimming is a good exercise. यहां पे ये जो swimming है ये एक verb है। Swimming होता है तैरना, ये verb का ing form है। तो यहां पर ये जो swimming है ये किस तरह use हुआ है, हमने इसको या तो इस तरीके से use किया होगा या तो इस तरीके से use किया होगा। ये swimming हम लोग ऐसा बोल रहे हैं जैसे कोई वस्तु हो, जैसे मैंने कहा पेन इज ब्यूटीफुल, मोबाइल इज वेरी नाइस, उसी प्रकार स्विमिंग इज आल्सो वेरी नाइस, स्विमिंग भी अच्छा है, वॉकिंग भी अच्छा है। तो इस तरह की क्रिया को हम लोग ऐसा बोल रहे हैं जैसे कोई नाउन हो, जैसे कोई वस्तु हो, जैसे टेबल अच्छा है, चेयर अच्छा है, स्विमिंग भी अच्छा है। तो जिन क्रियाओं को नाउन की तरह बोल दिया जाता है नॉर्मली, तो वो नाउन की तरह यहां काम कर रहा है। तो मतलब ये यहां पे एज अ जीरंड प्रयोग हो रहा है, एज अ नाउन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड, मैंने एक उड़ता हुआ पक्षी देखा। ये तो फाइनल वर्ब हो गया, फ्लाइंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब आपको लगेगा जो आईएनजी फॉर्म है तो ये जीरंड के रूप में यूज हुआ है या प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है क्योंकि एडजेक्टिव का काम करता है पार्टिसिपल। तो ये जीरंड के रूप में यूज हुआ है कि पार्टिसिपल, तो ये यहां यूज हुआ है पार्टिसिपल के रूप में। कैसे? क्योंकि यहां नाउन के रूप में यूज नहीं हुआ है। यहां पर एडजेक्टिव का मतलब होता है, एडजेक्टिव की परिभाषा आपने पहले पढ़ी होगी कि एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, अर्थात किसी नाउन की विशेषता को जो बतलाता है उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहां बर्ड की खासियत को कौन बता रहा है? ये फ्लाइंग बर्ड इस नाउन की खासियत को ये बता रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं पार्टिसिपल। तो अभी और इसकी कई सारी डीप चीजें हैं, फिलहाल अभी शुरुआत में इतना ही समझिए। ज्यादा मैं डीप में समझाऊंगा तो बहुत कंफ्यूजन आ जाएगा। अभी केवल इसको देख के दो तीन बार देखिए, केवल इतना याद रख लीजिएगा कि इन्फिनिटिव भी कोई चीज होती है, जीरंड भी कुछ होता है, पार्टिसिपल भी कुछ होता है, इसके भी तीन फॉर्म होते हैं। इसको माइंड में सेव कर लीजिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनका यूज आता जाएगा, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये जीरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, फिर वहां प्रैक्टिकली आप समझोगे। अभी केवल आपको इनको ना मन में सेव रखने हैं कि वर्ब कितने प्रकार से होते हैं और ऑब्जेक्ट ऐसा होता है। अब लास्ट बचा केवल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट समझते क्या होता है। ऑब्जेक्ट को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपने वर्ब अच्छे समझ लिया तो ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। समझिएगा, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का असर, सब्जेक्ट होगा तो कोई ना कोई काम करेगा, काम होगा तो किसी न किसी पर असर पड़ेगा। तो जिस व्यक्ति या जिस वस्तु पर असर पड़े
उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैंने पेन तोड़ा। अब यहां पर काम करने वाला कौन है? मैंने, युवा सब्जेक्ट, क्रिया कौन सी कर रहे हैं? तोड़ने की। तो सब्जेक्ट के द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है इसका असर किस पर पड़ रहा है? पेन पर। तो पेन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसने राम को धक्का दिया, मींस ही पुश्ड राम। तो यहां पर काम तो करने वाला कौन है? उसने कौन सी क्रिया की? धक्का देने की। अब राम, उसने जो क्रिया की इसका असर किस पर पड़ा? धक्का देने का, राम पर। ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आप ऐसे भी जान सकते हो, और ऑब्जेक्ट जानने का तरीका मैंने बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था क्या और किसे, इसके माध्यम से आप ये पता करते हो कि कौन सा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है। तो इन्हीं दोनों के माध्यम से आप पता कर सकते हो कि वाक्य में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। क्या धक्का दिया? नहीं पता। किसे धक्का दिया? राम को धक्का दिया। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जवाब मिल गया, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। अच्छा एक चीज और, मैं एक लाइन यहां लिखा हूं और आप बताइएगा कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे मैंने लिखा, मुझे पिटाई पड़ी। अब इस वाक्य में ढूंढिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। वीडियो थोड़ा पॉज कर लीजिए, अपना दिमाग लगाइए पहले और ढूंढने का प्रयास करिए, और अगर नहीं बनेगा तो फिर अभी आपको हम ऐसे बताएंगे इसमें क्या है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि करने वाला सब्जेक्ट, क्रिया और जिस पर असर पड़ रहा है ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। देखिए, मुझे पिटाई पड़ी, अगर आपने इसको सब्जेक्ट कहा है तो गलत है। क्रिया क्या है? काम कौन सा हो रहा है? पिटाई पड़ने का। ये तो वर्ब क्लियर है, वर्ब तो पता चल जाएगा मुझे। ये यहां पर ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। कैसे? क्रिया कौन सी हो रही? पिटाई पड़ने की। तो क्रिया का असर मुझ पर पड़ रहा है कि मैं क्रिया कर रहा हूं? निश्चित रूप से क्रिया का असर मुझ पर पड़ रहा है, मैं क्रिया कर नहीं रहा हूं। मतलब मारने वाला कोई और है, पापा ने मारा, दीदी ने, भैया ने, मम्मी ने, मतलब करने वाला, क्रिया को करने वाला कोई और है। क्रिया का असर मुझ पर पड़ रहा है, मुझे पिटाई पड़ी यानी मुझ पर असर पड़ा। तो जिस व्यक्ति पर असर पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट हुआ। तो वाक्य को आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, उसमें फाइंड करने की आप कोशिश करिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब और कौन सा ऑब्जेक्ट। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही, और घर में थोड़ा सा आप लोग एक बार फिर से इसको आप रिवाइज करिएगा, थोड़ा सा घर में अभ्यास करिए, वाक्य को लिख कर बनाइए और कुछ वर्ब निकालिएगा, उसमें छांटिएगा कौन से ट्रांजिटिव है, कौन से इंट्रांजिटिव है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का पूरा क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड था। अगला जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो भी ग्रामर बेस्ड ही रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में मैं पढ़ाऊंगा आपको नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, पूरा डीप में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर पढ़ेंगे प्रोनाउन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, वर्ब्स आपने पढ़ लिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये चीज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो कृपया उसे लाइक जरूर कर दें, और उसको चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। और यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए या आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप मैसेज भी करके हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ये चीज़ों की आवश्यकता है, या कुछ क्लास आप एक्स्ट्रा कर चाहते हैं कि आपको लगता है कि नहीं इस टॉपिक को